नमस्कार, जायका विद संगी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक महाराष्ट्रीयन डिश जो है जिरका, जिसे शेंगदाना की आमटी भी कहते हैं। जिरका में ना प्याज, ना ही टमाटर, ना ही कोई सब्ज़ी यूज़ की जाती है। ये एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट से बन जाती है। ये बहुत ही स्पाइसी भी बनती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जिरका बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप शेंगदाना, धनिया पत्ता, 4 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून सूखा हुआ नारियल का कीस, 1/2 टेबलस्पून जीरा स्वाद अनुसार, नमक, 1/2 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून तल, 1/2 टीस्पून हींग, हल्दी, पानी, तेल और कुछ कड़ी पत्ते। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सर जार में हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। इसे हमें दरदरा ही पीसना है। हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा पेस्ट तैयार है। अब हम मिक्सर जार में धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इसे पीस लेंगे। धनिया पत्ता भी पीसकर तैयार है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। ये प्रोसेस करने पर जिरका का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है, उसमें 1/4 कप शेंगदाना डालकर उसे रोस्ट कर लेंगे। बस शेंगदाने का हल्के सा कलर बदलने लगा है, हम इसमें 1/2 टेबलस्पून तल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून सूखा हुआ नारियल का कीस। मीडियम फ्लेम पे अब और 1/2 मिनट तक इसे हम रोस्ट कर लेंगे। बस ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है, उसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून राई के दाने, हींग 1/2 टीस्पून, कुछ करी लीव्स, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट। इसे हम स्लो फ्लेम पे 1/2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून पानी। इसमें पानी का प्रमाण ज़्यादा लेना है क्योंकि जिरका ये पानीदार ही बनता है। अब हम इसमें धनिया पत्ता की पेस्ट मिला देंगे, इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें शेंगदाना का पाउडर डाल देंगे, इसमें अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें और 1 उबाल आने तक इसे अब हम कुक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि घर में सब्ज़ी नहीं होती है, या सब्ज़ी है लेकिन हमें काटनी नहीं है, उसे बनानी नहीं है। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली और झटपट विद इन 5 मिनट्स में ये बन जाती है। 1 उबाल आ गया है, बस हम गैस ऑफ कर लेते हैं, हम सर्व कर देते हैं। जिरका या शेंगदाना आमटी तैयार है, लेकिन अब खाए किसके साथ? ज्वार की भाकरी या गेहूं के आटे से बनी हुई भाकरी, बाजरी की भाकरी। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था खोबा रोटी, उसके साथ भी ये बहुत बढ़िया लगेगा। खोबा रोटी ये एक राजस्थानी डिश है और जिरका ये महाराष्ट्रियन डिश,
दोनों को मिलाकर बहुत ही बढ़िया फ्यूजन तैयार होगा। खोबा रोटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भाकरी को हमें पहले चूरा कर लेना है और उसके ऊपर ये आमटी डाल के एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।